पर सिटी गुरुग्राम में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 134A के तहत जिन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलना था, उनके अभिभावक दाखिले के लिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल और शिक्षा विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। दरअसल सेक्शन 134A के तहत BPL और EWS कैटेगरी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देना अनिवार्य है, लेकिन देखने में ये आया है कि काफी स्कूल सीट ना होने की बात कहकर इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर अभिभावकों ने गुरुग्राम के लघु सचिवालय पर धरना दिया, जहां तहसीलदार ने उनकी बात को सुना और आश्वासन दिया कि स्कूलों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि 134A के तहत बच्चों को एडमिशन करें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक कई बार इस शिक्षा विभाग से लेकर डिप्टी कमिश्नर को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। बुधवार को ये सभी अभिभावक अपनी शिकायत लेकर एक बार फिर से गुरुग्राम के DC से मिलने पहुंचे, जहां DC तो नहीं मिले, उनके साथ तहसीलदार ने अभिभावकों से मुलाकात की और आश्वासन दिया जो भी स्कूल एडमिशन से मना करेगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभिभावक इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें ना तो स्कूल से कोई फ़ोन आया, ना ही एडमिशन हो रहा है। एक तो समय कम है जिसे बढ़ाया जाए, 24 तारीख को एडमिशन करवाने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है जो स्कूल नहीं दे रहा, ऐसे में बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, शासन और प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कभी कहते हैं स्कूल में जाओ, DO ऑफिशियल लिस्ट जा चुकी है, जब स्कूल के अंदर अभिभावक अपने बच्चे को लेकर जाता है तो वहाँ से ये सुनने को मिलता है कि आप DO ऑफिस के अंदर जाओ, हम एडमिशन नहीं देंगे, कोर्ट में केस चल रहा है। और आज हम 20 तारीख को भी हम जितने भी अभिभावक गण हैं अपने बच्चों के साथ हम उपायुक्त महोदय से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपके पास फ़ोन आएगा और विद्यालय आपकी समस्या का निवारण करेंगे और आपके बच्चों का एडमिशन होगा। लेकिन आज 22 तारीख हो गई है, अभी तक किसी स्कूल से कोई फ़ोन नहीं आया और हम पुनः फिर आए, और अभी जो हमारे कमेटी बनी हुई है, हम वो कमेटी के लोग माननीय उपायुक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं कि हमें स्पष्ट किया जाए, DO साहब को बुलाया जाए। हमारी मांग ये है DO साहब को बुलाया जाए और DO साहब आके बताएं कि अभी एक्शन ये कह रहे हम लेंगे, जब वो अभी एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो अभी उनको बुलाकर पूछे एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो आप। तो ये लुका छिपी का खेल जो है, ये बरगलाने का जो काम है, ये शासन और प्रशासन ना करे। हम हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं, हम गरीब जरूर हैं लेकिन जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उससे हमें वंचित नहीं किया जाए, और हम इस अधिकार को लेकर रहे जी। मुख्य मांग जो एडमिशन की है, एडमिशन नहीं होगा तो 24 तारीख के बाद क्या रणनीति रहेगी। हम सब लोग जितने भी 1500 बच्चों के अभिभावक गण हैं, हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि हमने भूख हड़ताल करनी है, हमने यहाँ पर जो है आंदोलन करना है, हमने सड़क जाम करना है, ये हम सब लोग बैठकर निर्णय करेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन का ढीला रवैया क्या वजह माना? मैंने आपसे कहा ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है और सरकार लाचार है, मजबूर है, शासन और प्रशासन के ऊपर मुख्यमंत्री जी की पकड़ नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि हम सब गरीब लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर धक्के खाने के लिए विवश है। तहसीलदार साहब ने कहा है कि हम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई तो कर देंगे, पर वो डेट आगे के लिए नहीं बढ़ा रहे, जबकि 2 दिन हमें अपने कागज जमा करने के लिए बहुत कम है। हमें बच्चों की थोड़ी बहुत ड्रेस की खर्चा भी और किताबों का खर्चा भी देना पड़ेगा, हमारे पास अभी इतना नहीं है। हम 4 दिन से तो यहाँ है, 3 दिन से 4 दिन से तो चक्कर लगा रहे हैं, हम कमा क्या रहे हैं, फिर अभी इकट्ठा करेंगे तो अभी देंगे। तहसीलदार साहब को 2-3 दिन के लिए डेट और एक्सटेंड करनी चाहिए ताकि हम हर चीज का अपना अनुमान लगा सके और स्कूल में जा सके। हम तहसीलदार साहब की इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, हमें लिखित में चाहिए हर चीज, लिखित में होगी तो ही ये माननीय। अगर तारीख एक्सटेंड नहीं होती है उसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? स्कूलों के बाद धरना देंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ पे भी बैठे रहेंगे और स्कूलों का भी बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, जो तहसीलदार साहब ने कहा हम उसे संतुष्ट नहीं है, हमें जो चाहिए सब रिटर्न में चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2 दिन है सिर्फ, 2 दिन में वो सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। 4 दिन से तो हम यहाँ चक्कर काट रहे हैं, 6 दिन से हमें टाइम मिल रहा है जी। एडमिशन नहीं होगा तो जिला प्रशासन क्या किस तरह से मदद करने के लिए तैयार है? हम स्कूलों के बाहर धरना देंगे, यहीं बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जिला प्रशासन किस तरह से मदद करने के लिए तैयार है, कुछ कहा है सर? कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं। यहाँ एक और जिला प्रशासन इन स्कूलों पर कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बेलगाम हो चुके प्राइवेट स्कूल्स पर ये कार्रवाई कब और किस रूप में होगी ये कोई नहीं जानता।
हालात ये हैं कि अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए दर दर की ठोकर खा रहे इन अभिभावकों को अब ये समझ नहीं आ रहा कि जिस कानून के तहत उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है, इस अधिकार को इन्हें दिलाएगा कौन। क्योंकि काफी बच्चे तो इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने पुराने स्कूल से अपना नाम इस उम्मीद में कटवा लिया कि कल से सेक्शन 134(1) उनके लिए किसी बड़े प्राइवेट स्कूल का दरवाजा खोल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट।